Hello friends and welcome to the second part of time and work. तो first में हमने जो देखा दोस्तों वो थी एक basic equation जो मैं यहाँ लिख देता हूँ वो थी m1 d1 t1 e1 w2 is equal to m2 d2 t2 e2 w1 ये मेरी बेसिक इक्वेशन थी जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस की थी और मैंने 5 to 6 क्वेश्चंस किए थे इसी इक्वेशन पे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का जिसमें मैं कहीं कहीं पे इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई एडवाइज यू टू प्लीज़ गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो टू बेटर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नाउ इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको जरा सा आइडिया दे दूं और वहीं से मैं आपको इस पार्ट को समझा भी दूंगा। क्वेश्चन ये आएगा कि एक्स कंप्लीट्स द जॉब इन 6 डेज, वाई कंप्लीट द जॉब इन 18 डेज। एक्स कोई काम करता है 6 दिन में, वाई वही काम करता है 18 दिन में। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड इफ एक्स एंड वाई बोथ वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो एक्स और वाई दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में ये काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स दिए हुए। आई विल गिव यू ए वेरी शॉर्टकट एंड वेरी सिंपल सॉल्यूशन सो डैट कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप मेथड याद करिए एंड आई कैन टेल यू कि आप इस मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन द फास्टेस्ट टाइम। और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो क्या है ये मेथड जरा समझ लीजिए। सो व्हाट इट सेज, एक्स काम करता है 6 दिन में और वाई करता है 18 दिन में। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे दोस्तों कि एक्स एक दिन में कितना काम करता है। एक्स वर्क इन 1 डे, एक्स एक दिन में 1/6 जॉब कर देगा। इज इट ओके? तो 6 दिन में पूरी जॉब हो जाएगी। इज इट ओके? तो एक्स ने 1 डे में 1/6 जॉब की, इसको समझ लीजिए क्या मतलब। एक्स ने फर्स्ट डे 1/6 जॉब की, सेकंड डे 1/6 जॉब की, थर्ड डे 1/6 जॉब की, फोर्थ डे 1/6 जॉब की, फिफ्थ डे 1/6 जॉब की, सिक्स्थ डे 1/6 जॉब की। यानी कि यहां से यहां तक इट इज कांस्टेंट। सो व्हेन यू ऐड ऑल दीज डेज व्हाट यू विल गेट, 1 जॉब। तो हर दिन एक्स जो है वो कांस्टेंट जॉब कर रहा है 1/6। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, एक्स वर्क इन 1 डे इज 1/6 जॉब। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ गए तो आगे की प्रॉब्लम समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि अगर 3 दिन में वो कितनी जॉब कर लेगा। अगर ये पूछा जाए 3 डेज, तो थर्ड डे उसने कितनी जॉब कर ली, देन द आंसर इज 3/6 जॉब डन। फिफ्थ डे उसने कितनी जॉब कर ली, देन द आंसर इज 5/6 जॉब डन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, एक्स वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1/6 जॉब। क्लियर? वाई वर्क इन 1 डे, एक दिन में वाई कितनी जॉब करता है, 1/18 जॉब। इज इट ओके? क्लियर? इस चीज को आप समझ लीजिए, एक्स ने एक दिन में कितना काम किया, 1/6 जॉब, और वाई ने एक दिन में कितना काम किया, 1/18 जॉब। अब अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/6 प्लस 1/18। इज इट ओके? तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, 1/9। तो x और y अगर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 1/9 ऑफ द जॉब कर लेते हैं। तो टोटल कितने दिन लगेंगे इसको पूरी जॉब करने में, इट विल बी 9 डेज टू कंप्लीट द जॉब। इज इट ओके? क्लियर? सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, हर चीज को 1 यूनिट में ले आना है।
इज इट ओके? मोस्टली ये डेज ही रहेंगे, तो वन डे में कितना काम हुआ, वाई का वन डे में कितना हुआ, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. इज इट ओके? क्लियर? नाउ लेट अस सी फ्यू मोर प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. नाउ ऊपर वाली क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, ए किसी जॉब को एक्स डेज में करता है, बी उसी जॉब को वाई डेज में करता है, और सी उसी जॉब को जेड डेज में करता है. तो अगर ए बी सी तीनों साथ मिलेंगे तो इस जॉब को कितने दिनों में कर लेंगे? तो हम क्या करेंगे, ए वन डे में कितनी जॉब करता है, 1/x, बी वन डे में कितनी जॉब करता है, 1/y, और सी वन डे में कितनी जॉब करता है, 1/z. तो ए प्लस बी प्लस सी वन डे में कितना काम कर लेंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इतना जॉब हो जाएगा. इज इट ओके? तो टोटल जॉब करने में उतने उनको कितने दिन लगेंगे दोस्तों, टोटल जॉब करने में उनको कितने दिन लगेंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z रेस टू पावर -1. तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड ओवर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड. सो दिस इज द आंसर. इज इट ओके? सो दिस इज द वे हम इन क्वेश्चंस को आगे करेंगे. इज इट ओके? नाउ लेट अस टेक फ्यू प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. नाउ लेट अस टेक द थर्ड प्रॉब्लम. मैंने इसको सिंपल वे में लिख दिया है, मैंने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं किया है, आप सीधा समझ जाएंगे. ए किसी जॉब को 7 days में करता है, बी 10 days में, और सेम जॉब को सी 12 days में करता है. अगर ए बी सी तीनों साथ वो जॉब करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगी? तो हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एक दिन में कितना काम करता है, 1/7, बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/10, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 1/12. तो एक दिन में टोटल काम कितना हो गया, 137/420. इज इट ओके? ये वन डे में जॉब हुई है, जॉब इन वन डे, यानी कि इतना पार्ट जॉब का वन डे में हो गया. अब क्योंकि हम लीनियर काम कर रहे हैं, हर दिन एक ही तरीके से होगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 420/137 days. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.06 days. तो इतने दिनों में तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो 3.06 days में ये काम हो जाएगा. सो दैट इज द आंसर, वेरी सिंपल. तो आपको क्या करना है, अगेन मैं रिपीट करूंगा सेम चीज, आपको क्या करना है, पर डे का काम कर लेना है और उसको ऐड कर देना है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, और उसका जस्ट इन्वर्स कर देंगे तो आपको उतने दिन मिल जाएंगे कि इतने दिन में टोटल काम हो जाएगा. ओके? अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेते हैं और धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा. इज इट ओके? चलिए, नाउ लेट अस टेक अ सिंपल बट लिटिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम. इसमें क्या है, ए प्लस बी साथ में काम करते हैं तो उनको 6 दिन लगता है. ओके? ए एलोन उसी काम को करता है तो उसे 9 days लगते हैं. तो बी अगर एलोन ये काम करेगा तो उसे कितना दिन लगेगा? इज इट ओके? इट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. कैसे, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 1/6 ऑफ द जॉब. ए अकेला एक दिन में कितना काम कर लेता है, 1/9 ऑफ द जॉब. ये हमने पढ़ रखा है. इज इट ओके? अब हमें बी एलोन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए विल गिव यू बी एलोन इन वन डे. इज इट ओके? तो ये कितना हो गया, 1/6 माइनस 1/9. तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/18. सो बी एलोन एक दिन में 1/18 जॉब कर लेता है. तो बी को एलोन जॉब करने में कितना टाइम लगेगा, इट विल बी 18 days. सो सिंपल. सो आप इसको याद रखिए, यू विल नेवर फेस ए प्रॉब्लम.
आई एडवाइज यू, बहुत सारी बुक्स में आपको बहुत तरह के फॉर्मूले मिलेंगे इन क्वेश्चंस को करने के, बट आई एडवाइज़ कि आप फॉर्मूले याद मत करिए, क्योंकि फॉर्मूले याद करने से आपको कंडीशंस भी याद रखनी होगी कि किस कंडीशन के लिए कौन सा फॉर्मूला है, और फिर एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड आया तो आप लोग उसको नहीं समझ पाएंगे कि किस कंडीशन के लिए क्या फॉर्मूला था। तो मैं आपको सिंपल से मेथड बता रहा हूँ, इसी मेथड को आप लगाइए, आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम कोई फॉर्मूला याद ही नहीं कर रहे हैं। इज इट ओके, क्लियर? नाउ लेट अस टेक फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। ए प्लस बी किसी काम को 120 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलके उसी काम को 150 डेज में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को मिलके 200 डेज में करते हैं। तो फाइंड ए बी सी अगर एलोन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अब आपको क्या किया गया है, आपको साथ वाली चीज़ दे दी गई है। पहले आपको अकेले दिया गया था और साथ निकालना था, अब आपको उल्टा कर दिया है। इज इट ओके? बट इट इज़ वेरी सिंपल। कैसे? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 1/20th ऑफ द जॉब। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/50th ऑफ द जॉब। और C प्लस A एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/200 ऑफ द जॉब। अब बहुत सिंपल है दोस्तों, अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 1/120 प्लस 1/150 प्लस 1/200। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो अब आपको क्या मिल गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 into A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो आपको कितना मिल गया, 1/, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 1/100 द जॉब। इज इट ओके? तो A प्लस बी प्लस सी टोटल जॉब कितने दिन में कर लेंगे, 100 डेज। इज इट ओके? सो दिस इज द सिंपल वे टू सॉल्व इट। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे क्या पूछा गया, ए बी और सी एलोन का। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना जॉब किए हैं, 1/100। इसको माइनस कर देंगे हम बी प्लस सी से, उन्होंने एक दिन में कितना काम किया है, 1/150। इज इट ओके? तो हमें क्या मिल गया, A alone, so what is A alone, 1/100 minus 1/150, 1/300, okay, so A को कितना टाइम लगा, A alone को कितने दिन लगेंगे, 300 डेज। इज इट ओके? सिमिलरली अगर आपको B alone निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, A प्लस बी प्लस सी माइनस A प्लस सी, ये आपको क्या दे देगा, B alone। इज इट ओके? तो ये हो गया 1/100 माइनस 1/A प्लस सी, A प्लस सी कितना है, 200। इज इट ओके? ये 200 है यहां से, ये 1/100 है यहां से। इज इट ओके? आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, व्हाट यू विल गेट, B alone will be 1/100, और आप कह सकते हो B alone को कितना लगेगा, 100 days। एंड लास्ट अगर आपको C का निकालना है तो आप C का कैसे निकालेंगे, इट इज वेरी सिंपल, A प्लस बी प्लस सी माइनस A प्लस बी, सो इट इज 1/100 माइनस 1/120। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट सी एलोन एज 1/600, और यू कैन से सी अकेला अगर इस काम को करेगा तो इसको 600 डेज लगेंगे। इज इट ओके? सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। In the third part, I will be taking the real tough questions, not I will say tough, वो tough questions नहीं है, वो सिर्फ
थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा फंडामेंटल मजबूत करना होगा टू डू द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, और जिसमें थोड़े से फंडामेंटल्स लगेंगे. इज इट ओके, क्लियर? तो आप इस चीज को अभी तक यहाँ तक दोनों वीडियोस को अच्छे से कर लीजिए. मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आई थिंक दे आर मोर देन सफिशियंट, इतने क्वेश्चन सफिशियंट हैं, इस पर आप रिलाई कर सकते हैं. तो मैं थर्ड वीडियो में आपको और अच्छे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा टाइम एंड वर्क के. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव्स ए थम्स अप एंड प्लीज़ राइट ए कमेंट फॉर माई एनी सजेशन विच यू वॉन्ट टू गिव मी. ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर एनी क्वेरी और एनी डाउट विच यू आर फेसिंग वाइल वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू. एंजॉय सिविल इंजीनियरिंग.